सो फाइनली अपन ना अभी यहाँ पे एयरपोर्ट के सामने में खड़े हैं, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और चलते हैं अंदर क्योंकि फ़्लाइट का टाइम है और मेरे को दिन का जर्नी पसंद नहीं है, फ़्लाइट में बादल बादल मेरे को मज़ा नहीं आता है, इसलिए सोचा मैं कि वो लोगों का स्टोरी देख देख के पता है कि दिन में बादल दिखते हैं, जा गया नहीं हूँ कभी। बाय द वे चलते हैं अंदर में और रात का व्यू देखते हैं क्या सीन है क्या शॉट। ताबड़तोड़ कैफे ना, कैफेटेरिया या फिर फूड कोर्ट बोल लो, मैं ना हैदराबाद में, अखा हैदराबाद में नहीं देखा भाई, मतलब बहुत चीर फाड़ है। IPL चल रहा है बाय द वे उधर में, और ये इधर एयरपोर्ट है। चलते हैं अपन अंदर एयरपोर्ट, मतलब लग रहा है वो क्या बोलते हैं अपन हैदराबाद के इनऑर्बिट मॉल में लग रहा है, उससे भी ताबड़तोड़ है भाई। चलते हैं बाय द वे इधर से, और भाई फुल फुल बजब में आऊँ, मैं शॉर्ट्स में आऊँ, हाफ पेंट में, मज़ा आ रहा है काफ़ी। बाकी बहुत बड़ा जगह है ब्रो पीछे में, मतलब ना अच्छा लग रहा है ब्रो, और क्या बोलूँ अभी, मतलब अच्छा मज़ा आ रहा है। एस्केलेटर में मतलब इधर से पीछे से एंट्री रहता है ना, हाँ तो बस क्या, अभी यहाँ पर ऊपर में कुछ तो भी चेकिंग वेकिंग होगा, देखते हैं क्या होता है। वाइब है, मज़ा बहुत आ रहा है यहाँ पे। एयरपोर्ट का में ब्रो मॉल है, हम लोग को जाना है गेट नंबर 112। अभी समझ में भी नहीं आ रहा है ब्रो, बहुत बड़ा है एयरपोर्ट, किधर भी जा रहे। मैं चेकिंग वगैरह करके जो भी लगेज वगैरह का होता है ना, ये अपना लगेज था तो वो सब करके 3-5 एयरपोर्ट का अभी करके, मतलब ना कैसे तो भी मतलब गेट के पास बोर्डिंग होता है ऐसा करके बताया, तो सामने गेट है 112, बोले कि वहाँ पे जब फ्लाइट आएगा तेरा तो चले जाना, वहाँ पर डिस्प्ले होगा ऊपर में, तो उतना तो पढ़े लिखे हैं उतना कर एड भगा रहा हूँ मैं। बाकी भाई तुम लोगों को फुल बजट मैंने चप्पल में और बॉक्सर में, तो क्या है ना रात का फ्लाइट है तो मैं सोचा था आराम से सोऊंगा, अभी मेरा फ्लाइट 11 बजे है तो अभी मैं 9:30 में यहाँ पे हूँ, तो आराम से इतने देर क्या करूँगा, सोऊंगा ही ना। बाकी आप लोगों को दिखा दूँ क्या एयरपोर्ट, क्या देखोगे यार, देख लो ऐसा कुछ विषय है जहाँ पे मैं बैठा हूँ ना, मतलब अभी मतलब ये लड़की लूँगा ऐसा पैर दिख रहा है यार छोड़ो, तो ये ऐसा कुछ विषय है यहाँ पे। उधर थोड़ा सा देर में जाएंगे, आधे घंटे में उठेंगे, थोड़ा आराम करते हैं, 15-20 मिनट आराम करते हैं, बहुत देर से थक के आ रहे हैं, ये थोड़ा सा आराम करके उधर में आप लोगों को, बहुत भलता विषय है, बहुत टाइम है बोर्डिंग के लिए ना, लाइन लग गई है 112 मेरा गेट नंबर है। तो अभी तो फिलहाल अपन इधर में बैठ के चिल कर रहे थे, लेकिन अभी हटो ना अंकल ये बोर्डिंग करना पड़ेगा, चलता हूँ लाइन में, वहाँ पे शायद से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। लेकिन फाइनली मतलब ये अपन क्या बोलते हैं इसको, जो बोर्डिंग जहाँ पे होता है वहाँ पे आ गए, और यहाँ पे मेरे को व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है, वो गर्लोर रहम हैव मर्सी ऑन मी वैसा वाला भाई ना बंदा में है। बाकी मज़ा आ रहा है ब्रो इधर में, सोच रहा हूँ आप लोग को बैक कैमरा से व्यू दिखाऊँ, लेकिन मन नहीं कर रहा है, खुद देखने का मन कर रहा है ना भाई, तुमको समझते नहीं हो, बहुत अच्छी जगह है, गर्मी है थोड़ा लेकिन गिरा, लेकिन अच्छा जगह है। एक तो ये जो भलता फ्लाइट है ना ये उड़ने को है, और इधर में खड़ी है बहुत सारी प्लेन, और ये बस में लेके आए थे अपन को, और ये फ्लाइट है जिसमें हम लोग को जाना है। तो मेरा सीट ना मेरे को पता है कि सबसे आगे में फ्रंट में पायलट के पास, तो चलते हैं अपन, ये सीढ़ी से ऊपर चल के जाना है, ऊपर जा रहे हैं अभी अपन, और बाकी इधर से व्यू बहुत मिलता है ऐसा, और ये फ्लाइट के अंदर चलते हैं भाई लोग, जब मैं सबको फुल पावर, पहला कदम फ्लाइट में स्लीपर के साथ अंदर फुल बनता विषय दिख रहा है। बाकी विंडो सीट है आपके भाई लोग का, फ्लाइट अंदर से कुछ अच्छा होता होगा, नॉर्मल ही दिख रहा है साला, कुछ भी नहीं है, मैं तो बॉक्सर में आया हूँ। देखो विषय ऐसा है ना, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है बाहर क्रिकेट देखने में और एंजॉय करने में, थोड़ा सा है लेकिन ब्लॉग लुक नहीं करेंगे, सोऊंगा मैं, ठीक है। हमारा मेन्यू उपकरणों का उपयोग फ्लाइट मोड में ही करें, बिना फ्लाइट मोड के उपकरणों को उड़ान के दौरान बंद रखें, इलेक्ट्रॉनिक मनोरंजन उपकरणों का इस्तेमाल